हाँ एकदम खेला हो बे। सीएम अगर बनना चाहिए तो तेजस्वी यादव जी। 12 से 14 से लेके हमको तो लगता है ना 25 विधायक इधर टपकेंगे। अभी तो खेला हुआ, पिक्चर बहुत बाकी है। 10 तारीख तक आपको क्लियर हो जाएगा, खेला होगा। माझी का मुख्यमंत्री का ऑफर मिला, उस पर क्या लग रहा है आपको? माझी बने, तेजस्वी बने, कोई बने, खेला होगा। आपको बिहार में खेला होगा? बिहार में खेला बिल्कुल होगा, बिल्कुल खेला होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अभी बाइट ले रहे हैं ना। हर किसी की पसंद है तेजस्वी यादव। जो काम तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिया वो उन्होंने 17 सालों में नहीं किया था। और इसलिए 17 साल प्रभारी है तो 17 महीना और 17 साल जो है वो 17 महीना पे भारी तो है ही। नहीं नहीं, 17 महीने 17 साल। एक मिनट रुकिए रुकिए ना, आप एक आदमी को बोलने दीजिए ना भैया। लालू यादव मान जाएंगे? लालू यादव मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी को रहते हुए माझी को बनाएंगे क्या फिर? देखिए यहाँ पे सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। जो अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त बुलाते थे कि जो इन चीजों में विश्वास रखते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वहाँ मुजफ्फरपुर में चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि हम नीतीश कुमार को अपने पार्टी में कुछ भी हो जाए नहीं रखेंगे। जब वो फिर से जो अपने आप को बहुत बड़ा रामवादी कहते हैं, नीतीश कुमार को अपने तरफ खींच सकते हैं, तो यहाँ राजनीति के लिए कुछ भी हो सकता है। राजनीति के लिए आदमी अपने गधा को भी बाप बना लेता है, ये सबको पता है। तो राजनीति के लिए कुछ भी हो सकता है क्या? ये तो अभी ट्रेलर है जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, खेला होक बो। धीरे धीरे देखिए 12 से 14 से लेके हमको तो लगता है ना 25 विधायक इधर टपकेंगे। क्या लग रहा है आप लोग? जुआओं के लिए कुछ भी हो, जुआओं के लिए प्रेरणा स्रोत भाई तेजस्वी है। और तेजस्वी पर आज भी विश्वास लोगों का है। तेजस्वी भले 17 महीना में नीतीश कुमार तो क्यों नहीं किया, इतना नौजवानों में इतना शिक्षकों का बहाली किया, और इरादा है तेजस्वी का। हमें विश्वास है कि सब जात पात से हटकर पार्टी से हटकर तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री युवाओं का नेता बनाना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं माझी? बिल्कुल, भाजपा को रोकने के लिए माझी को बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं के लिए अगर माझी जी आते हैं तो उनको स्वागत है, स्वागत है माझी जी को। माझी को बना देना चाहिए लालू यादव मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हम भाजपा में तो असहज महसूस कर रहे हैं। कर देंगे, वो कोई नहीं करेगा। माझी कुछ समय में कर्मचारियों के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और माझी जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो माझी सबसे बेहतर है, भले तेजस्वी पीछे से सपोर्ट रहेंगे, लेकिन माझी नेता बनेंगे तो अच्छा काम होगा। माझी जी 15 में जब मंदिर में गए थे तो मंदिर को धुलाया गया था। अखिलेश यादव जब सीएम कुर्सी छोड़े थे तो योगी जी आए थे तो गंगा जल शुद्धिकरण किया गया था। यही रामराज है। राम जी तो सेवरी माता का जूठा बैर खाने का काम किए थे। भाजपा के नेता कितने लोग खाते हैं, मुसार जाते हैं, घर में जाकर खाना खाते हैं, खाना खाने काम करते हैं, या होली मिलन समारोह करने काम करते हैं, या कितने लोग मुस्लिम में रमजान मनाने काम करते हैं, बताइए। आपको क्या लग रहा है? आप काफी अनुभवी लोग हैं, आप राजनीति को बहुत करीब से, आप राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, अनुभवी है, तो आपको माझी को जो है सो महागठबंधन से ऑफर आ रहा है सीएम बनने के लिए? माझी जी ने कह दिया है कि हमें एक और मंत्री चाहिए, नहीं तो हम उधर। माझी जी जहाँ है अभी वहीं रहे, माझी जी अगर उधर जाएंगे तो फंस जाएंगे। ऐसा कुछ भी होने नहीं, ऐसा तो होने नहीं जा रहा है। और माझी जी जाएंगे तो ही विल मेड मिस्टेक। मुख्यमंत्री अलग चीज है, वो बने नहीं बने अलग चीज है। जहाँ है वहीं उनको रहना। आपको कैसे लग रहा है कि फंस जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उधर जाकर के वो अच्छा काम करेंगे। अभी जहाँ है वहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, वो रहेंगे तो अच्छा है। उधर जाना उनके लिए ठीक नहीं होगा मेरे समझ से। माझी को महागठबंधन से ऑफर मिल रहा है मुख्यमंत्री बनने का, और बिहार में भी प्रोटेस्ट होना बाकी है 12 तारीख को। देखिए ये जहाँ तक बात कर रहे हैं आप 26 जनवरी को ये सरकार डामाडोल होना चालू हो गई थी, ठीक है? तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को इतना बढ़िया सुनहरा मौका दिया है कि सरकार बनाने का 2025 में फुल बहुमत में एक तरफा सरकार बनेगी, वो आरजेडी की होगी। आप पूछेंगे क्यों बनेगी, तो जो वादा करके गठबंधन की सरकार जो बनाने का काम किया था तेजस्वी यादव ने, में खड़े उतरे हैं। 70 दिन में बाढ़ आ गया है रोजगार का बिहार में, ठीक है? और यही 17 साल का आंकड़ा उठाए, 17 साल में नीतीश कुमार क्यों नहीं, ये नीतीश कुमार युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने का काम किए हैं। सुनहरे अक्षरों में नीतीश कुमार जी के आने वाली पीढ़ी को ये बताया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि कैसे भी मुख्यमंत्री एक राज कैसे थे जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए 9 बार इस्तीफा देकर 9 बार शपथ ग्रहण करने का काम किया है, तो ये नीतीश कुमार है, ठीक है? एक नए दिशा में राजनीति को लेकर जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ये जानते हैं कि बिहार से राजनीति चालू होती है, बिहार में खत्म होती है, लेकिन नीतीश कुमार जी एक नया दिशा दे दिए हैं राजनीति का, ठीक है? इनका दौर है सिर्फ ससुराल से नैहर तक का, ठीक है? ये नींद में अगर चित्ते सोए रहते तो मेरे बिहार के विकास सर चढ़ के बोलती, ठीक है? लेकिन इनको करवट बदलने की आदत है। जब दाएं करवट होते हैं तो
नजर आता है, यही बाएं कॉर्बेट में बीजेपी नजर आता है। ठीक है, इनका दौर है ससुराल से लंगियर तक का, इनको नए नए नाम से लोग सम्मानित करने का काम करता है। कोई पलटू राम बोलता है, कोई चच्चा 420 बोलता है, कोई चिकना बैगन बोलता है, इतने नामों से सम्मानित करने का काम नीतीश कुमार जी के, पहले ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के हैं कि इतने नाम से सम्मानित करने का काम जनता कर रही है। यहाँ के देखिए बिना पेंदी के लोटा भी बोला जाता है उनको, तरह तरह नाम से सम्मानित करने का काम कर रहा है जनता। तो क्या लग रहा है आप लोग को बिहार में जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना बाकी, उसमें क्या लग रहा है माझी खेला कर सकते हैं? माझी खेला क्या कर सकते, खेला करेंगे तो बहुत बिहार के हित में खेला करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। महागठबंधन में सरकार में आएंगे तो और विकास आगे बढ़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं फिर से? हम तो चाहेंगे कि खेला करके आए, अभी तो खेला हुआ पिक्चर बहुत बाकी है। हाँ, अभी होली तक आने दीजिए, मंत्रिमंडल के विस्तार होने दीजिए, उसके बाद खेला होगा। हाँ, बहुत खेला होने वाला है, अभी आप देखते रहिए। क्या लग रहा है आप लोग को बिहार में? सबसे पहले जो हम बोलते हैं सीएम अगर बनना चाहिए तो तेजस्वी यादव जी, और प्रधानमंत्री भारत का अगर बनना चाहिए तो राहुल गांधी जी। अच्छा जी, क्यों तेजस्वी यादव को लग रहा है? क्यों नहीं, बस वो है उस लायक के, इसीलिए उसको बोल रहे हैं, उस लायक के वो है इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव से एकदम खुश है, राहुल गांधी जी से भी एकदम खुश है। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या माझी अभी बिहार में करेंगे? नीतीश कुमार पलट सकते हैं? नीतीश कुमार तो बना लिए के साथ हो गए, फिर पलट जाएंगे। कौन कह रहा था कि राजद से पलट के जाएंगे उधर? कोई कह नहीं ना रहा था, तो पलट के गए फिर आ जाएंगे। उनका तो काम है इधर उधर करना, माझी भी आ सकते हैं विधानसभा में भी 12 तारीख को बहुमत साबित करने, उसमें क्या लग रहा है कि तेजस्वी के पक्ष में माझी वोटिंग, माझी वोटिंग कर सकते हैं? जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो भी खेला हो जाएगा। तेजस्वी भी कह रहा है खेला बाकी है तो हो भी सकता है। बिहार को जो है एक एक्टिव युवा जो नेता है उनकी जरूरत है, जो कि तेजस्वी यादव में सारा गुण है। नीतीश कुमार एक तरह से मानिए कि जंग लग गया है उनमें, जो बात है रियल बात है, जंग लग चुका है। एक्टिव युवा है, 17 महीना में वो पूरा जॉब दिए हैं स्टूडेंट लोग को, आप देख सकते हैं, आप ऑन स्क्रीन दिखाइए, 1.5 लाख बहाली स्वास्थ्य विभाग में 3 साल से विगत बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक बहाली नहीं दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ये बात को अब कैबिनेट में रखा और बिल पास भी करवाया गया था इसमें स्वास्थ्य विभाग में। निखिल यहाँ बातें थी कि पलट देना, राजनीति में सरकार कहीं और बनाना था, इस कारण से युवा बेरोजगार रह गया और वैकेंसी नहीं आई स्वास्थ्य विभाग में। इस चीज़ पे मुद्दा उठाना चाहिए। आज देखिए हेल्थ मैनेजर की ड्यूटी पर किसको रखा जा रहा है? नर्सिंग स्टाफ को रखा जा रहा है, और जो क्लिनिक में जो डॉक्टर है उसके जगह पर स्टाफ काम कर रहा है, पूरा रिक्त खाली जगह है स्वास्थ्य विभाग में। निखिल क्या है, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस इसको राजनीतिक में इधर से उधर पलटी करना है, इसीलिए एक एक्टिव युवा का जरूरत है, जो कि तेजस्वी यादव में सारा गुण है। हम चाहेंगे बिहार में राजद की ही सरकार हो। क्या लग रहा है आप लोगों को, महागठबंधन में मुख्यमंत्री बनने के लिए माझी को ऑफर आ रहा है, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि बिहार में अभी पिक्चर बाकी है क्या? नहीं, बिहार में अभी बहुमत का सरकार होना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी का बहुमत होना चाहिए और बीजेपी की तरफ से ही कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए आने वाले समय में, बीजेपी की तरफ से। जी, अभी माझी पर क्या कहेंगे, माझी को भी मंत्री का ऑफर आ रहा है? वो तो उनका अपना विचार है कि वो किस तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो उन पर डिपेंड है। लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी, नहीं बीजेपी का इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो सबको लेकर चलेगा, तेजस्वी यादव दूसरे तरफ के मतलब किसी खास वर्ग को सपोर्ट करेंगे किसी नहीं को रहेंगे। क्या आप लोग क्या मांग है? मैं तो एक्चुअली बिहार का नहीं हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए इन लोगों को। जैसे आईटी हब तो बना सकते हैं, अगर संसाधन नहीं है आपके पास तो मैक्सिमम आईटी हब पे तो कोशिश कर सकते हैं, जैसे बैंगलोर में किया, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रीज, हमें कोई बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही लानी ज़रूरी है, हम उस चीज़ में भी तो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे यही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ डाउन होते जा रहा है। आज सारे स्टेट धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिहार का अभी भी हाल वैसा का वैसा ही है। कोई भी जीते, इवन जो भी जीते, कम से कम बिहार के बारे में सोचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। माझी जी क्या लग रहा है बिहार में खेला करेंगे क्या? माझी जी अभी मंत्रिमंडल में एक और मंत्री की मांग कर रहे हैं और वहाँ से महागठबंधन से भी उनको ऑफर आ रहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या अभी 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, खेला होना बाकी है क्या बिहार में? खेला होना बाकी है, यही है। हाँ, 12 तारीख को खेला होगा माझी के, लग रहा है हाँ हाँ, सपोर्ट में तो लेना चाह रहा है अपना पार्टी, हाँ अपना पार्टी में लेना चाह रहा है, लेकिन अगर माझी जी, माझी कहने से फायदा है क्या? अरे भाई है फायदा तब ना आने वाले हैं, ऐसे अब तो आना ना ना तो मंत्री पद भी मिल गया उनका बेटा का डबल। हाँ, अब देखिए अब क्या होता है, वो आएंगे या नहीं आएंगे,
और उसके बाद भी खेला होने वाला है, मांझी जी आए अथवा नहीं आएंगे तब भी। तो देखा आपने, पटना के लोगों का कहना था कि मांझी 12 तारीख को खेला कर भी सकते हैं, कुछ लोगों का कहना था नहीं कर सकते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी